हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिगोर कितना माइलेज देती है। मैं बता दूं, मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, यह कहीं पे भी बंद हो सकती है। और मैं जा रहा हूँ फ्यूल पंप, मैंने दो बोटल्स ली है, उनमें डलाऊंगा पेट्रोल और 2 लीटर पेट्रोल डाल के टेस्ट करूँगा आखिर में कितना चलती है। अभी गर्मी का टाइम है और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो विथ एसी अपन मैं इसका माइलेज टेस्ट करूँगा। तो एक्चुअल मैं बताऊँगा मैं आपको ये कितना चलती है 2 लीटर पेट्रोल में। पेट्रोल वेरिएंट है मेरे पास एग्जेड प्लस है ये, और मैं आपको एक बार फ्यूल मीटर बता देता हूँ कि गाड़ी में कितना फ्यूल है। देख लीजिए आप, देख लिया होगा आपने, अगर आपको पता पड़ गया होगा कितना है। एक्चुअली मैं इसको 2 दिन से चला रहा हूँ और मैंने 50 किलोमीटर से ऊपर चला दी इसको रिजर्व के अंदर, और मुझे नहीं लगता ये गाड़ी फ्यूल पंप तक पहुंच पाएगी। आई होप पहुंचे, नहीं पहुंचे, एक रिस्क लिया है मैंने आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कितना चलती है मैं फ्यूल पंप, आखिर पहुंचता हूँ नहीं पहुंचता हूँ। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं भराया बहुत टाइम से, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्यूल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बीच रास्ते में बंद हो गई है। देख सकते हैं आप, मैं सेल्फ मार रहा हूँ एक बार, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप सुन सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैं इसमें डालता हूँ फ्यूल, जाता हूँ निकल। अब मैं इसमें 2 लीटर पेट्रोल डालता हूँ, देखता हूँ 2 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितनी चलती है, कितने का माइलेज देती है। मेरे पास स्पेयर में फ्यूल रखा है, मैंने ले लिया है, 2 लीटर पेट्रोल डालकर मैं ट्राई करता हूँ मेरी गाड़ी कितना एवरेज देती है विथ एसी पे। मैं सिटी में हूँ और सिटी में गाड़ी कितने का माइलेज देती है, चलिए तो पेट्रोल भरते हैं। हाँ तो गाइस, ये रहा मेरे पास 2 लीटर पेट्रोल, मैंने स्पेयर में भी पेट्रोल लगाया है, 1 लीटर मैंने यहाँ रख रखा है, और समथिंग 1.5-2 लीटर के समथिंग ये इसमें है। कहीं पे भी ख़त्म हो जाए तो मैं फ्यूल टॉप अप कर सकूँ मेरी गाड़ी में, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 लीटर पेट्रोल। अब देख लीजिए, और गाड़ी बिल्कुल बंद है, स्टार्ट नहीं है, तो 2 लीटर पेट्रोल भरते हैं फिर देखते हैं कितना चलती है। ये खोलते हैं इसके फ्यूल कैप और ये डाल रहे हैं इसमें 2 लीटर पेट्रोल। मिनिमम 1 लीटर से कुछ नहीं होता गाड़ी में, 2 लीटर तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल की गाड़ियां सेंसर बेस है, और 1 लीटर से कुछ नहीं होता, पाइपों में रह जाता आधा पेट्रोल। तो अभी गाड़ी बिल्कुल बंद है, स्टार्ट नहीं हो रही है, और ये डाला मैंने 2 लीटर पेट्रोल। तो चलिए देखते हैं कितना चलती है आखिर में। 2 लीटर डाल दिया, ये फ्यूल कैप बंद, वेट अंदर वेट, और ये मैं जाता हूँ, ये मैं चला गाड़ी में अंदर, ये चला मैं, और देख लीजिए इधर तो शो नहीं कर रहा, बट मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं आप, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो मैं बता दूं आपको, मैंने 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया है, और अभी मैंने गाड़ी रोक रखी है, मैं सीट बेल्ट अब लगा रहा हूँ, अब मैं ड्राइव करूँगा विथ एसी, देखते हैं कितना चलती है गाड़ी। मैंने 2 लीटर पेट्रोल इसमें डाल लिया है और मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। आखिर टाटा टिगोर, टाटा क्लेम करता है लगभग 20 के अराउंड क्लेम करता है, 20 का माइलेज देती है। चलिए मैं इसकी टेस्टिंग कर ही रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ एक्चुअल में ये गाड़ी कितना माइलेज दे पाती है विथ एसी। गर्मियों का टाइम है, मैं एसी चला रहा हूँ, विथ एसी ट्राई करूँगा, इसका ब्लोर तो बहुत नॉइस, तो चलिए देखते हैं कितना चल पाती है। चलने के बाद मैं बताऊँगा कितना चलती है, अभी मैं ज़्यादा रुकता नहीं हूँ, रवाना होता हूँ, सिटी माइलेज बताऊँगा। सिटी ज़्यादातर मेरा चलना सिटी में होता है, सिटी में आखिर कितना देती है,
कभी हाईवे का मौका मिलेंगे तो हाईवे पे भी करके बताऊंगा आपको। तो चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना चलती है, अभी मैं घर जाता हूँ। हाँ तो गाइस अपने वीडियोस कंटिन्यू रखते हैं। सेकेंड डे है, मैं सेकेंड डे शूट कर रहा हूँ। मैं कल शाम को घर आ गया था, घर आने के बाद कहीं गया नहीं, तो गाड़ी मैंने खड़ी कर दी थी, ना कहीं चलाई मैंने। तो मैं आपको बता दूँ 12.8 का माइलेज ही अभी बता रही है और 3.6 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ जहाँ से मैंने फ्यूल डाला था वहाँ से। और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया नहीं था, ट्रिप मीटर मैंने रीसेट कर लिया था निकलने वहाँ से, रवाना होने से पहले। और 3.6 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ वापस मार्केट में, मतलब सिटी में, देखते हैं सिटी में कितना चलती है। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जी कैंटीन, मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के पास, उसको लेके आता हूँ वहाँ से और फिर निकलते हैं कहीं। और मैं चल रहा हूँ सिटी के अंदर, आखिर कितना चल पाती है। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ घर पे और ये था उसका घर, देखते हैं आता है मनोज निकल के, फिर हम जाते हैं कहीं घूमने। हाँ तो गाइस मैं अपडेट दे दूँ आपको, अभी मैं घर फ्रेंड के घर आके जस्ट रुका हूँ और गाड़ी एवरेज शो कर रही है 12 किलोमीटर चाहिए। एक बार मैं गाड़ी बंद कर दूँ फिर से ऑन करूँ। हाँ तो आप देख सकते हैं कितने का माइलेज शो कर रही है, देख लीजिए 12 का, यह है इसकी हालत सिटी में। चलिए आगे पहुंच के आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आप। हाँ तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी डी मार्ट और फ्यूल आप देख सकते हैं, माइलेज भी आप देख सकते हैं 11.7 और गाड़ी चल चुकी है 16 किलोमीटर और ट्रैफिक आप देख लीजिए। ज़्यादा भी नहीं है अभी, तो सुबह के टाइम ज़्यादा था। खैर जितना भी जो भी है, पहुँचता हूँ डी मार्ट और फिर वहाँ से आपको अपडेट करता हूँ कितना चलती है और कितना फ्यूल बचा है। खाली सड़क मिली है तो थोड़ा मंगा लेते हैं, वरना वापस वही ट्रैफिक में फंस जाएंगे, रेंगते चलते रहो। तो यार मुझे नहीं लगता ये 15 से अबाव का माइलेज दे पा रही होगी, जहाँ तक मुझे बताया। मैंने पहले इसका निकाला हुआ है, टेस्ट नहीं करा इसे, निकाल लगा मैंने फुल टैंक करा के निकाला हुआ, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। फुल टैंक करा के मैंने लगभग, इसमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक है, उसमें लगभग 37 के अराउंड आराम से आ जाता है। तो मैंने फुल टैंक करवा के गाड़ी शो कर रही थी लगभग 317-318 किलोमीटर का माइलेज, और एक्चुअल में चली है 258 किलोमीटर चल के बंद हो गई थी। तो देखा जाए 7-8 का माइलेज निकाला इस गाड़ी ने, अभी देखते हैं अभी कितने का निकाल पाती है, क्योंकि कुछ दिक्कत थी इस गाड़ी में और सर्विस सेंटर गया था मैं, कंप्लेन भी करनी पड़ गई थी मुझे, बट उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने ठीक करी है गाड़ी। और आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे बंद हो गई है बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई है। तो मैं लाया हूँ रिकवरी फ्यूल, मुझे चोट हो गई यार थोड़ी वाली, फ्यूल लेकर आया हूँ और डालता हूँ इसमें फ्यूल और फिर जाता हूँ मैं डी मार्ट
देख सकते हैं आप, मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करूँ एक बार। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बंद हो गई। देख सकते हैं आप, गाड़ी बंद हो गई बिल्कुल। चलिए डालता हूँ इसमें फ्यूल। बेटी तू उधर से खोल यार, इधर हाँ। से तो गाड़ी आ रही है। मैं डालता हूँ इसमें फ्यूल। ले उधर से डाल, तू भी आ जा उतर के। अरे इधर से गाड़ी आ रही है। मैंने फ्यूल गेट खोल लिया। चलिए डालते हैं इसमें पेट्रोल। आ जा कर क्या आना, तो चलो मैं डालता हूँ इसमें पेट्रोल। 2 लीटर डाल रहा हूँ फिर से, अब देखता हूँ कितना चल पाती है। हाँ तो गाइस ये है, आप देख सकते हैं माइलेज, और मैं सिटी के बीचों बीच हूँ, फंस गया हूँ और गाड़ी बंद हो गई है। अब कर रहा हूँ स्टार्ट और ये मैं रवाना होता हूँ यहाँ से सिटी से, तो गाड़ी साइड में कर देता हूँ पहले, और गाड़ी एक बार गाड़ी साइड कर लूँ, गाड़ी साइड करके फिर बताता हूँ नंबर वगैरह। हाँ तो गाइस मैंने गाड़ी साइड कर ली है, और मैं आपको बता दूँ कितने का माइलेज दिया इस गाड़ी ने। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 18 किलोमीटर चली है गाड़ी, 18.5 किलोमीटर गाड़ी बंद हो गई थी, और 11.9 का इसने माइलेज दिया है। तो आप देख लीजिए ये इसका माइलेज है। एक्चुअल तो गाइस ये थी टिगोर के माइलेज की स्टोरी, और इस गाड़ी ने मैं 18 का माइलेज दिया है 2 लीटर पेट्रोल में, 11 की माइलेज इसने एवरेज निकाली है वो MID में शो कर रही है, और चली थी 2 लीटर पेट्रोल में 18.5 किलोमीटर। तो आप यही कुछ है जो कुछ था मैंने बता दिया आपको, और इतना माइलेज देती है सिटी में। मैंने सिटी मोड पर इसको गाड़ी को चलाया और सिटी में चलाया है, तो ये था इसका एवरेज, ये माइलेज इतना देती है 2 लीटर पेट्रोल में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को मेरे पास, इतना ही कुछ था जो मैंने आपको बता दिया है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। जय हिंद जय भारत।